मेरा नाम तिलक है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ज़्यादातर लंबे लंबे सफ़र तय करना बेहद पसंद है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में हुए कुछ खास किस्सों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। सुनसान सड़क पर मैं आधी रात को सफ़र तय कर रहा था। मेरे साथ साथ एक और ट्रक आ रही थी पीछे पीछे। उसमें मेरे दो दोस्त सोहन और प्रदीप थे। मैं अकेला ही था अपने ट्रक में। हमारा रोज का काम था ये। हमें ज़्यादातर रात का सफ़र ही तय करना पड़ता था और वो भी आसपास के लिए नहीं बल्कि दूर दूर तक का सफ़र तय किया करते थे हम। ठंड का मौसम था और हमारे लिए सफ़र करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उस साल ठंड ने सारी हदें पार कर दी थी। उस कड़कड़ाती ठंड में हम अहमदाबाद से केरल जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था इसलिए हम बीच बीच में खाने पीने और आराम करने के लिए ठहर जाते थे। उस रात हम काफ़ी समय से कोई ढाबा ढूंढ रहे थे ताकि वहां खा पी कर थोड़ा आराम कर लें। हम बेहद थके हुए थे और मेरी तो बार बार नींद के कारण आंखें भी बंद हो जा रही थी। ऐसे में ड्राइव करना बेहद खतरनाक हो सकता था और बहुत भूख भी लगी थी इसलिए ढाबे का ज़्यादा इंतज़ार था मुझे। मैं और मेरा दोस्त बस आगे बढ़ते गए और करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मुझे एक ढाबा नज़र आया। मैं उसे देखकर बड़ा खुश हो गया और मैंने सीधे ट्रक को ढाबे के आगे रोक दिया। मैं और मेरे दोस्त ट्रक से नीचे उतरे और सीधे ढाबे की ओर गए। वहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। ढाबे का नाम था पप्पू ढाबा। मैंने ढाबे का जायज़ा लिया। वो ढाबा बहुत ही ज़्यादा पुराना नज़र आ रहा था। उसके नाम का जो बोर्ड था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी भी निकलकर गिर सकता है। ढाबे के बाहर कुछ खाटे बिछी हुई थी और कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। आसपास अंधेरा था, बस कुछ ही रोशनी नज़र आ रही थी और वो भी ढाबे के अंदर से। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर आग जल रही हो। तो मैंने प्रदीप से कहा, यार शायद ढाबे का मालिक अंदर है, आवाज़ देना चाहिए। तो मैंने कहा, हाँ हाँ रुक मैं जाता हूँ। मैं जल्दी से ढाबे के अंदर गया और वहाँ के मालिक को आवाज़ दी, अरे भाई कोई है क्या यहाँ? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मैंने दोबारा आवाज़ दी, अरे कोई है? लेकिन अंदर से फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं फिर से आवाज़ देने ही वाला था कि तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। कमर झुकी हुई थी, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई नज़र आ रही थी। अंधेरे में वो थोड़ा डरावना सा नज़र आ रहा था। तो उसने कहा, क्या चाहिए भाई? तो मैंने कहा, जी खाना खाना है, बहुत भूख लगी है और आज रात ठहरना भी था। तो बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बाहर खाट बिछी हुई है, तुम लोग बैठो मैं खाना लेकर आता हूँ। मैं बाहर जाकर बैठ गया। तो सोहन ने कहा, यार जगह तो बड़ी सुनसान है, इससे पहले जहाँ भी हम गए थे वहाँ पर कोई ना कोई इंसान देखने को मिल ही जाता था। यहाँ तो आसपास कुछ है भी नहीं सिवाय इस ढाबे के, और ये ढाबा भी न जाने कितने साल पुराना है, शायद इसलिए यहाँ कोई रुकता नहीं होगा। तो मैंने कहा, अरे नहीं यार गलत समझ रहे हो तुम, वो देखो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पर एक और ट्रक खड़ी हुई है। लेकिन यार उसका ड्राइवर कहाँ है? तभी बूढ़ा आदमी अंगीठी लेकर आ गया और सोहन के सामने रख कर चला गया। तो प्रदीप ने कहा, ओह शुक्र है यार अब थोड़ा चैन मिला। ये सब देखकर मुझे वो काफ़ी साल पहले वाला किस्सा याद आ गया। ऐसी ही ठंड में मैं सफ़र कर रहा था और इसी तरह रात को ढाबे में रुका था। उस रात मेरे साथ बड़ी भयानक घटना घटी थी। तो सोहन ने पूछा, यार तुमने पहले कभी इस घटना के बारे में बताया नहीं, ऐसा क्या हुआ था? तो मैंने कहा, अरे वो क्या है ना यार कि काफ़ी साल बीत गए हैं और वो हादसा भी बहुत पुराना हो गया है, मेरे दिमाग में वो हादसा फिर कभी आया ही नहीं। लेकिन आज इस माहौल को देखकर फिर से वो यादें ताज़ा हो गईं। मैं उन्हें सारी बातें बता ही रहा था कि वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आ गया, शायद उसने मेरी बातें सुन ली। उसने मुझसे पूछा, ऐसा कौन सा हादसा हुआ था तुम्हारे साथ?
क्या मैं भी सुन सकता हूँ? क्या है कि मैं यहाँ अकेला हूँ और कोई काम भी नहीं है मुझे। काफ़ी समय बाद यहाँ पर कोई आया है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रदीप ने कहा, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं काका, आओ ना बैठो। वो बूढ़ा आदमी बैठ गया। मैंने उससे पूछा, जी वैसे ये पप्पू आपका नाम है क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने नाम पर ही अपना ढाबा खोलते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ सही कहा, 70 साल पहले मेरे पिता ने मेरे नाम पर यह ढाबा खोला था, तब से इसका नाम यही है। सोहन ने कहा, क्या कहा, 70 साल? लेकिन इस रास्ते पर तो मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, हमें तो आपका यह ढाबा नज़र नहीं आया। तो बूढ़े आदमी ने कहा, हो सकता है कि तुमने ध्यान न दिया हो, वैसे ये ढाबा कई सालों से यही है। मेरे पिताजी की ज़िंदगी इस ढाबे में काम करते हुए ही बीती है और उनके बाद मैंने इस ढाबे को संभाला। तुम मुझे काका कह सकते हो। फिर हम खाना खाने लगे तो मैंने पूछा, अच्छा काका ये जो ट्रक खड़ी है इसके ड्राइवर कहाँ हैं, दिख तो नहीं रहे हैं। तो काका ने कहा, अरे हो सकता है वो खाना खाकर कहीं चले गए होंगे, पता नहीं। वैसे तुम किसी घटना के बारे में बता रहे थे, बताओ ना क्या हुआ था। तो मैंने कहा, अरे हाँ हाँ मैं पिछले 30 सालों से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। लंबे लंबे सफ़र तय करने पड़ते हैं मुझे, ज़्यादातर रात का सफ़र ही तय करता हूँ मैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कितनी अजीब चीज़ें हुई इस ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में। तो ये बात है साल 1995 की, जब मैं ट्रक में सामान लेकर असम जा रहा था। रात का सफ़र था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस समय भी ठंड का ही समय था। सर से पांव तक मैंने गर्म कपड़े पहन रखे थे। ठंडी हवा चल रही थी बाहर और रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जंगल ही जंगल वाला रास्ता था वो। अब हुआ यूं कि मैं उस रात ट्रक में कुछ पुराने गाने सुनते हुए गुनगुनाते गुनगुनाते सफ़र तय कर रहा था कि अचानक से मेरी ट्रक चलते चलते ही अपने आप रुक गई। तो मैंने कहा, अरे ये क्या हुआ, अब ये ट्रक को क्या हो गया भाई, कहीं ख़राब हो गई तो? ऐसा हुआ तो मैं बुरा फंस जाऊंगा। मैंने फिर ट्रक को शुरू करने की कोशिश की लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। उस घने जंगल के बीच मुझे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला था। मैंने बाहर झांक कर देखा, सिवाय ऊंचे ऊंचे पेड़ों के मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रक की लाइट भी बंद हो गई थी जिसके कारण पूरा अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं ट्रक से बाहर निकला और देखा कि आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल है और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। उस घने जंगल के बीच मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे लगा नहीं था कि उस समय मुझे कोई आदमी वहां मिलेगा जो मेरी कुछ मदद कर सकेगा, लेकिन रास्ते में इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत अपने मालिक को कॉल किया। किस्मत से वहां मुझे नेटवर्क मिल गया और मालिक के पास कॉल लग गया। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि जब तक मुझे मदद नहीं मिलेगी तब तक मैं सामान पहुंचा नहीं पाऊंगा। हमारी बात हो ही रही थी कि अचानक से उनकी आवाज़ घरघराने लगी। कोई भी साफ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने नेटवर्क चेक किया लेकिन मोबाइल में नेटवर्क था। फिर अचानक से कॉल कट हो गया। अब मैं परेशान हो गया और फिर से उन्हें कॉल करने की पूरी कोशिश करने लगा लेकिन फिर से कॉल लगा ही नहीं। मैं हैरान हो गया कि नेटवर्क के होते हुए भी बात क्यों नहीं हो पा रही है। बहुत बार कॉल करने की कोशिश की मैंने लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि कोई उस रास्ते से गुजरे तो मैं मदद मांग लूँ। वहाँ पर आने जाने के 2 रास्ते थे। मुझे असम के लिए सीधे जाना था। दोनों ही रास्ते उस अंधेरी रात में बड़े ही डरावने नज़र आ रहे थे। मोड़ पर एक बड़ा सा पत्थर था। मैं उसी पत्थर पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। करीब 1/2 घंटे हो गए थे मुझे वहाँ बैठे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पत्थर पर ही रख दिया, उससे थोड़ी रोशनी भी हो गई थी। समय समय पर मैं मालिक को भी कॉल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा, पता नहीं कितना समय बिताना होगा यहाँ,
मैं बैठे बैठे वहीं पर उगी घास को उखाड़ने में लगा हुआ था कि तभी मुझे अपने पीछे से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि जंगल में कोई जानवर होगा। मैंने सोचा बाहर ऐसे बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि जानवर भी हो सकते थे वहाँ, इसलिए ट्रक में बैठना ही सही है। तो मैं ट्रक में चढ़ने के लिए जाने लगा। मैं ऊपर चढ़ने ही वाला था कि मुझे किसी के सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सोचा, यार इस घने जंगल में मेरे अलावा और भी कोई है क्या? किसकी आवाज़ है ये? नहीं, लगता ये मेरा वहम होगा। अरे यहाँ कौन आएगा? और फिर मुझे तो लगा ये आवाज़ किसी लड़की की है। यहाँ कहाँ से कोई लड़की आएगी? ये सोचकर मैं वापस से ट्रक में चढ़ने वाला था, लेकिन फिर से मुझे सिसकियों की आवाज़ एक और बार सुनाई दी। लेकिन इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज थी, जैसे कि कोई बहुत करीब हो। मैंने सोचा हो सकता है कि कोई मुसीबत में हो, मुझे एक बार आसपास देख लेना चाहिए। फिर मैंने एक बार आवाज़ लगाई, कोई है क्या यहाँ पर? मेरे आवाज करने के बाद सिसकियों की आवाज थम गई और रोने की आवाज आने लगी। मैंने फिर आवाज दी, अरे जवाब दो, देखो मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। कौन हो तुम? कहाँ हो? जवाब तो दो। लेकिन तभी अचानक से वहां पर की झाड़ियां फिर से हिलने लगी। उसकी आवाज सुनकर मैं डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां से बाहर निकल कर आ रहा है। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन जब वहां से कोई बाहर नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही एक बार अंदर जाकर देख लूं। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, तो मैं जंगल की तरफ जाने लगा। और जैसे ही मैंने झाड़ियों में कदम रखा, मुझे फिर से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैंने फिर से आवाज़ दी, अरे कौन है यहाँ? मदद चाहिए तो सामने आओ। लेकिन इसके बाद भी कोई सामने नहीं आया। मैं दो चार कदम और आगे गया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे सड़क और ट्रक दोनों नजर आ रही थी। मैंने फिर से जंगल की ओर देखा। जंगल में कीड़े मकौड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, साथ ही कुछ जंगली पंछियों की आवाज भी माहौल को एकदम डरावना बना रही थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई पर कुछ भी नजर नहीं आया, तो मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे कोई हवा की जैसी तेज रफ्तार से मेरे पास से होकर गुजर गया हो। मैं डर के मारे कांप गया और तुरंत पीछे मुड़ा। और सच मानिए, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मानो मेरी सांसें ही अटक गई हो। मेरे सामने एक चौड़ा पेड़ था जिसके दूसरी तरफ कोई बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पहले मुझे वहां पर ना तो वो चौड़ा पेड़ दिखा था और ना ही वो इंसान जो पीछे बैठा हुआ था। वो एक औरत थी जो रो रही थी, और उसे वहां देखकर मेरे डर के मारे पसीने छूट गए। मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि मोबाइल के टॉर्च में इतनी रोशनी नहीं थी। बस उस लड़की के काले कपड़े दिख रहे थे जो जमीन पर फैले हुए थे। मैंने सोचा कि आगे जाऊं, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। घने जंगल में किसी इंसान का ऐसे बैठा रहना काफी हैरान करने वाला था। मैंने घबराते हुए आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। तो मैंने कहा, मैडम जी, आपको कोई मदद चाहिए क्या? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे वहाँ इतना डर लग रहा था कि मन कर रहा था कि वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन उसे ऐसे अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था। और जाता भी तो कहाँ, अपने ट्रक को भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा, ये सोच कर कि शायद वो कुछ बोलेगी। फिर मैं इधर उधर देखने लगा, और फिर से जब उसकी ओर मुड़ा तो वो खड़ी हो चुकी थी। वो पेड़ के पीछे थोड़ा सा झांक कर मुझे ही देख रही थी। उसके लंबे बाल दिखाई दे रहे थे जो कमर से नीचे तक थे। मेरी हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? तो उस लड़की ने मुझे कुछ देर घूरा और फिर कहा, जी मुझे मदद चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उस जंगल में फंस गई होगी, तो मैंने कहा, जी क्या फंस गई हैं क्या यहाँ? तो उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। तो मैंने कहा, लेकिन आप यहाँ आई कैसे? तो उसने कहा, जी मुझे शहर जाना था,
बस से जा रही थी शहर, लेकिन यहाँ बस का एक्सीडेंट हो गया, सब लोग मर गए, तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। ये सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने पूछा, जी कब हुआ एक्सीडेंट और जो मर गए उनकी लाश कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ आसपास। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि रोने लगी। मैंने सोचा कि वो सदमे में होगी, इसलिए मैंने उससे कहा, अच्छा रोइए मत, देखिए मेरी ट्रक खराब हो गई है, जैसे ही कोई मदद मिलेगी मैं आपको शहर छोड़ दूंगा, चलिए बाहर की ओर चलते हैं। मैं बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वो लड़की आगे नहीं आई। मैंने उसे वापस चलने को कहा तो वो पीछे पलटी और उसने अपना चेहरा अपने कपड़ों से ढक लिया और फिर बाहर आई। उसने सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरा भी उसने पूरा ढक लिया था। मुझे लगा कि वो ऐसे ही रहती होगी, तो मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और हम ट्रक के पास आ गए। तो उसने कहा, जी आप एक बार ट्रक को चालू करने की कोशिश कीजिए ना। तो मैंने कहा, अरे बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ मैं, लेकिन चालू ही नहीं हो रही है। तो उसने कहा, लगता है ट्रक गर्म हो गई होगी ज़्यादा, इसी कारण से वो बंद हो गई। आप मेरी बात मानकर एक बार और कोशिश कीजिए ना। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा कि चलो एक और बार कोशिश करने में क्या ही हर्ज है, क्या पता गाड़ी चालू ही हो जाए। तो मैं ट्रक में चढ़ गया और वो लड़की बाहर ही खड़ी रही। मैंने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुई। मैंने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन तब भी चालू नहीं हुई। लेकिन जब मैंने तीसरी बार चाबी घुमाई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो अचानक से चालू हो गई और ट्रक की हेडलाइट भी जलने लगी। मैंने सामने देखा कि वो औरत ठीक ट्रक के आगे खड़ी हुई थी और काले कपड़ों में हेडलाइट की रोशनी में बड़ी डरावनी लग रही थी। अगर रात को कोई उसे अचानक वैसे देख ले तो पक्का उसे हार्ट अटैक आ जाता। किसी भूत प्रेत से कम नहीं लग रही थी वो। तो मैंने उससे कहा, अरे मैडम जी वहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए ट्रक चालू हो गई है, अब चलते हैं। वो लड़की अपनी जगह से हिली भी नहीं। मैंने फिर कहा, अरे क्या हुआ, चलिए बैठिए ना, मैं शहर छोड़ दूंगा आपको। लेकिन वो लड़की अब भी वहीं पर चुपचाप खड़ी हुई थी। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के आगे गया मैंने क्या देखा कि वो लड़की वहाँ है ही नहीं। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इधर उधर देखने के बाद भी वो नज़र नहीं आई। मैंने सोचा कि यार मेरे ट्रक से उतरते ही वो अचानक कहाँ गायब हो गई, यार कहाँ चली गई वो, अभी तो इसी जगह पे खड़ी थी, कहीं वो सच में कोई प्रेत तो नहीं थी। ये सोचकर ही मैं थरथराने लगा और बोला, यार वैसे भी ये जगह बहुत ही अजीब है, यहाँ से जितना जल्दी निकल जाओ उतना ही ठीक है। मैं वापस से दौड़कर ट्रक में बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने डरते डरते बगल वाली सीट पर देखा तो डर के मारे मैं उछल गया और मैं ट्रक के दरवाजे से जा चिपका। वो लड़की मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे वहाँ आ गई। मेरे मुँह से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे और वो भी चुपचाप बैठी हुई थी। जब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने पूछा, जी अचानक से आप कहाँ से आ गई? उसने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया और फिर कुछ मिनट के बाद कहा, चलना चाहिए हमें, बहुत देर हो गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने पानी पिया और फिर वहाँ से निकल गया। अगले एक घंटे तक लगातार आगे बढ़ते तक उस लड़की ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। सामने फिर से दो रास्ते आए और मैं उस वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मुझे जाना किस रास्ते में है। तब उस लड़की ने अचानक कहा, यहाँ से दाएं। मैं हैरान था, एक तो उसने इतना लंबा घूंघट लिया हुआ था, वो भी काला। मुझे समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता कि आगे दो रास्ते हैं। ऊपर से उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वो मेरे मन की बात जान गई हो। मैं दाएं मुड़ गया। फिर करीब 10 से 12 किलोमीटर के बाद हम जंगल के इलाके से निकल ही आए और थोड़ी खुली जगह देखने को मिली। कुछ देर बाद मुझे सामने एक ढाबा नजर आया तो मैंने उस लड़की से पूछ लिया, कुछ खाना है क्या? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सर हिलाया। मैंने ढाबे के सामने ट्रक रोक दी और नीचे उतर गया।
मैं जैसे ही उस लड़की के दरवाजे की तरफ आया तो मैंने देखा कि वो पहले ही नीचे उतर गई है। यानी कि सभी चीजें हैरान कर देने वाली हो रही थी। मैंने ढाबे को देखा तो वो ढाबा भी इसी ढाबे के जैसा सुनसान था। कोई नहीं था वहां पर, बस इसी तरह वहां पर भी एक ट्रक खड़ी हुई थी और उसके मालिक कहाँ गए थे पता ही नहीं। मैं ढाबे में गया, वो लड़की बाहर ही खड़ी रही। वहां पर एक नौजवान लड़का सोया हुआ था। मैंने उसे उठाया और कहा, अरे भाई जरा उठो तो। मेरी आवाज़ सुनकर वो उठ गया तो मैंने कहा, यार मुझे खाना खाना था। तो उसने कहा, हाँ हाँ साहब आप बाहर बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ गर्मा गर्म खाना। मैं फिर बाहर चला गया और देखा वो लड़की चुपचाप खाट पर बैठी हुई है। मैंने आसपास का ब्यौरा लिया, आसपास कुछ भी नहीं था, वो ढाबा भी नया लग रहा था। मैं भी उस लड़की के सामने जाकर बैठ गया और वहाँ पर जल रही आग की लपटों से ठंड भगाने लगा। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया और मैंने उससे पूछा, जी आप कब से उस जंगल में फंसी हुई थी? उस लड़की ने बहुत ज़्यादा समय लिया मेरे सवाल का जवाब देने में, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि जैसे कि दिल सीने से बाहर ही निकल जाएगा। उसका जवाब था, 40 सालों से। मैं हैरान होकर उसे ही देखता रह गया। एक बार के लिए लगा कि वो मजाक कर रही है। तभी वो लड़का खाना लेकर आ गया, लेकिन उसके हाथ में एक ही प्लेट थी। मैंने कहा, अरे भैया, अरे इन मैडम के लिए भी तो लेकर आओ। उस लड़के ने मेरे सामने की ओर देखा और कहा, अरे कौन मैडम साहब जी? मैंने कहा, अरे ये और कौन? ये कहकर मैंने अपने सामने की ओर देखा, लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब वहां से वो गायब हो गई थी। मैं खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैंने उस लड़के से कहा, भाई मेरा यकीन करो, मेरे साथ एक लड़की थी, अरे मुझे जंगल में मिली थी वो। मैंने सोचा कि उसे सच में मदद चाहिए तो मैं उसे ट्रक में बैठाकर यहां तक लाया हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो उस लड़के ने कहा, अरे साहब लगता है कि आपने भी किसी प्रेत का सामना कर लिया। उसकी बातें सुनकर मुझे एक बार के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। तो उसने कहा, वो क्या है ना साहब, मेरे दादाजी ने बताया था कि 40 साल पहले जंगल के पास एक बस का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बहुत सारे मुसाफिरों की जान चली गई। तब से उस जंगल के पास से जब भी कोई मुसाफिर रात को गुजरता है तो उन्हें उनकी आत्माएं दिखाई देती हैं। मैं चौंक गया था और डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने कहा, अरे आप तो खुद को खुशनसीब समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं, वरना जिन लोगों ने किसी को ऐसे ही अपने गाड़ी में बैठाया है उन लोगों की लाश ही मिली है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप यहाँ आराम से खाइए और फिर इस इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। उसकी बात सुनने के बाद मेरे अंदर वहाँ रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं वहाँ से तुरंत भाग निकला। एक वो रात है और एक आज की रात है। आज तक जब भी मुझे किसी ने रास्ते में लिफ्ट मांगी है मैंने ट्रक रोकी ही नहीं है। प्रदीप और सोहन मेरी कहानी सुनकर हैरान हो गए थे। मैंने काका की ओर देखा लेकिन उनके चेहरे पर मुझे कोई भाव नजर नहीं आया, वो कुछ अजीब से नजर आ रहे थे। तो प्रदीप ने कहा, यार तुम्हारी किस्मत तो सच में अच्छी थी कि तुम बच गए। मेरे भी हाथ पैर कांप रहे हैं ये किस्सा सुनकर। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो न जाने क्या होता। अरे भाई अगर मैं ही होता तो शायद मैं जिंदा ही ना होता। तो मैंने कहा, यार ये सब तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी मेरे साथ बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं, सुनना चाहोगे उसके बारे में? तो सोहन ने कहा, क्या बात कर रहे हो, अरे तुमने कितने पंगे लिए हैं भूतों के साथ? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, न जाने इन भूत प्रेत को क्या लगाव है मुझसे कि बार बार मेरे ही सामने आ जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमेशा मेरा उनके इलाके में आना जाना लगा रहता है। तो सुनो एक बार क्या हुआ। तो ये बात तब की है जब मैंने ट्रक ड्राइवर की नई नई नौकरी पाई थी, यानी मुझे अनुभव नहीं था इस काम का। उस समय मेरे साथ एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था प्रकाश। उसे ड्राइवर की नौकरी करते हुए 4 से 5 साल बीत गए थे तो उसे काम का अच्छा अनुभव हो गया था।
मैं बस काम सीख ही रहा था उस समय। मैंने ज्यादा सफर भी नहीं तय किया था, तो मुझे दूर दूर के रास्ते भी नहीं पता थे। तो यूं समझ लो कि मैं प्रकाश के साथ रहकर ही सब कुछ सीख रहा था, यानी जहां वो जाता था मैं भी उसके साथ साथ जाता था, लेकिन अपनी अलग ट्रक में। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। उस समय मैं दिल्ली में था। मुझे ठीक से याद तो नहीं कि उस समय मैं कहां का सफ़र तय कर रहा था, लेकिन शायद हम दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में जो अजीब चीज़ मेरे साथ हुई थी वो मुझे अच्छे से याद है। असल में हुआ ये कि मैं और प्रकाश दोनों ही मस्त गाने सुनते सुनते अपनी धुन में रात का सफ़र तय कर रहे थे, और रास्ते में जब हमें भूख लगी तो हम एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुक गए। उस ढाबे का नाम था रोशनी ढाबा। मैंने और प्रकाश ने तय किया कि हम उसी ढाबे में उस रात रुक जाएंगे और आगे का सफ़र अगले दिन तय करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हमारे अलावा वहाँ पर दो तीन और ट्रक वाले थे। प्रकाश काफ़ी मिलनसार किस्म का आदमी था, तो वो सीधे जाकर उन ड्राइवर के साथ बैठ गया, और उसके साथ साथ मैं भी। वो ड्राइवर भी अच्छे थे और हम लोगों ने काफ़ी बातें साते भी की। तभी ढाबे में काम करने वाला एक लड़का मेरे पास आ गया और उसने मुझे वहाँ का मेन्यू दिया। मैंने और प्रकाश ने वहाँ गर्मा गर्म नान रोटी और कढ़ाई पनीर मंगाया और जम के खाया। भरपेट खाना खाने के बाद प्रकाश ने पैसे दिए और वापस बैठ गया मेरे पास। बाकी के ड्राइवर भी खाना खा चुके थे। हमें वहाँ बैठा देखकर एक ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप लोगों को निकलना नहीं है क्या यहाँ से? तो प्रकाश ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, आज हम यहीं ठहरेंगे, कल सुबह ही जाएंगे यहाँ से। ये सुनकर वो ड्राइवर चौंक गया और कहा, क्या कहा, यहीं रुकोगे? तो मैंने कहा, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? उस ड्राइवर ने हमें अजीब तरीके से देखा, जैसे हमारे सींग निकल आए हों। फिर उसने कहा, अब क्या कहूँ भाई, अच्छा ठीक है, बस संभल के रहना यहाँ। ये बोलकर वो चला गया और हम सोच में पड़ गए कि उसने ऐसा क्यों कहा। उस समय रात के 1:30 बज गए थे और जो लोग भी वहाँ थे वो सब भी जा चुके थे, लेकिन ढाबा खुला हुआ था। हम भी ढाबे के बाहर खाट पर लेट गए और कुछ ही देर में हमें गहरी नींद आ गई, और आसपास क्या हो रहा है उसका हमें बिल्कुल भी होश नहीं था। अब पता नहीं कितने समय बाद मेरी नींद खुली और मैं करवट लेके फिर से सोने लगा कि तभी मेरे कानों में किसी चीज़ के खनकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि किसी की चूड़ियाँ खनक रही हों। मैंने थोड़ी आंखें खोलकर देखी तो मुझे सामने कोई बैठा हुआ नजर आया। अब उस समय मैं ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं गहरी नींद में था, और इस वजह से चीज़ें थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखों को थोड़ा रगड़ा और फिर पूरी तरह से आंखें खोलकर देखा तो मेरी सारी की सारी नींद ही गायब हो गई। मेरे सामने कुछ औरतों की टोली बैठी हुई थी जिन्होंने बंजारों के जैसे कपड़े पहने हुए थे। सब लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने ढाबे की ओर देखा तो ढाबा बंद हो चुका था। वो औरतें मेरी ही ओर मुंह करके बैठी हुई थी। सब एक साथ मिलकर चूड़ियां खनका रही थी और हंसे जा रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा क्योंकि उनकी हरकतें मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। मैं प्रकाश को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो साला उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी नजर उन औरतों पर ही टिकी हुई थी। तभी उनमें से एक औरत ने अपना घूंघट ऊपर किया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत का सर ही गायब था। ये देखकर मैं चीख पड़ा, प्रकाश, प्रकाश उठ भाई, उठ उठ, भागते हैं यार यहाँ से, सुन रहा है तू मेरी बात? मेरे इतने चीखने चिल्लाने के बाद भी वो नहीं उठा, जैसे कि उसे मेरी आवाज ही नहीं आ रही हो। वो औरतें वही बैठी हुई थी। मैंने प्रकाश की ओर देखा, फिर उसके शरीर को हिला हिला कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने फिर से उन औरतों की ओर देखा और मेरे पसीने छूटने लगे ये देखकर कि सामने कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि मैंने जो देखा वो सच था या कोई सपना। मेरा पूरा कमीज पसीने से भीग गया था और होंठ कांप रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी।
इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मैं चीख के खाट से नीचे गिर पड़ा। मैंने जब पीछे देखा तो प्रकाश उठकर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या हालत बना रखी है अपनी, कुछ हुआ है क्या? मैं बोलना चाहता था लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे कि गले में मेरी आवाज फंस गई हो। मैंने अपना चेहरा पोछा और आसपास देखा लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। इतने में ही एक बंजारन मुझे प्रकाश के पीछे फिर से दिखाई दी, जो दूर एक पेड़ के पास खड़ी हुई थी। उसे देखकर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं कुछ बोलने के हालत में भी नहीं था। उस औरत ने अपना घूंघट उठाया लेकिन मुझे बस उसकी डरावनी मुस्कान नजर आ रही थी। मैंने प्रकाश को पीछे की तरफ देखने के लिए इशारा किया लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो औरत गायब हो गई। प्रकाश ने कहा, नींद पूरी कर ले भाई, बहुत थका हुआ लग रहा है तू। तो मैंने कहा, नहीं यहाँ नहीं रहना मुझे, चल चलते हैं यार यहाँ से, वैसे भी सुबह होने वाली है कुछ घंटों में। ये बोलकर मैं सीधे ट्रक की तरफ भागा और प्रकाश मेरे पीछे पीछे आया। उसने कई बार मुझसे पूछा कि क्या हुआ लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे बता ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है लेकिन मैं जानता था कि वो खौफनाक पल कोई सपना नहीं था। हम वहां से निकल गए और उस हादसे के बाद मैं कुछ दिन सदमे में ही रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैंने प्रकाश को सारी घटना के बारे में बताया और वो जानकर वो बेहद चौंक गया था। सोहन ने कहा, भाई ये तो पागल कर देने वाला किस्सा था, बड़ी डरावनी कहानी थी। लेकिन काका अभी भी कुछ भी नहीं कह रहे थे तो मैंने पूछा, काका आप कुछ नहीं कहेंगे क्या, क्या आपके साथ कभी ऐसी भूतिया घटना हुई है? तो काका ने कहा, नहीं मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। तो मैंने कहा, वैसे एक और किस्सा याद है मुझे, और इत्तफाक की बात यह है कि ये किस्सा पप्पू नाम के ही एक ढाबे के साथ जुड़ा हुआ है। तो काका ने कहा, अच्छा बताओ जरा क्या हुआ था। लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया कि काका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो ऐसा होता ना कि कोई डराना चाहता हो, ठीक वैसे ही। तो फिर मैंने आगे की कहानी सुनानी शुरू की। तो ये घटना बहुत पुरानी है और ये घटना मेरे चाचा जी और मेरे साथ घटी थी। मेरे चाचा जी भी एक ट्रक ड्राइवर ही थे। मैं 17 साल का था और उस समय कभी कभी उनके साथ घूमने के लिए चला जाता था। वो मुझे लंबे सफ़र पर नहीं ले जाते थे लेकिन आसपास जब जाना होता था तो मैं चला जाता था उनके साथ। एक दिन की बात है, जब मैं उनके साथ कहीं जा रहा था ट्रक में, दोपहर का समय था जब हम घर से निकले थे और घर वापस आते समय हमें रात हो गई थी। तो चाचा ने कहा, देखा तिलक, कहा था ना मैंने तुझसे कि आते समय रात हो जाएगी, तू मेरे साथ मत जा। लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी जिद पर ही अड़े रहना था। तो मैंने कहा, अरे चाचा जी 8 ही तो बज रहे हैं, 2-3 घंटे में हम घर भी पहुंच जाएंगे, आप मेरी चिंता मत करो। इतने में ही हमें साइकिल की घंटी सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी हमारे पीछे पीछे साइकिल से आ रहा है और बार बार घंटियां बजा रहा है। तभी चाचा ने कहा, अरे तिलक ऐसे बाहर की ओर ना झांक, तूने अपना आधा शरीर खिड़की से बाहर निकाल लिया है, गिर जाएगा नीचे। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उस बूढ़े आदमी को ही देखता रहा। वो बूढ़ा आदमी काफी पीछे रह गया और एक समय के बाद दिखाई देना भी बंद हो गया। मैं वापस सीधे बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मुझे फिर से साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैंने फिर से बाहर की ओर देखा तो मुझे वापस से वही बूढ़ा आदमी नजर आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो बूढ़ा आदमी अचानक से फिर कैसे आ गया। मैंने चाचा से कहा, अरे चाचा, अरे ओ चाचा, ये बूढ़ा आदमी फिर से कहाँ से आ गया, कुछ देर पहले तो हमने इसे काफी पीछे छोड़ दिया था। तो चाचा ने कहा, अरे होगा कोई और। तो मैंने कहा, नहीं नहीं चाचा ये वही है। तो चाचा ने ट्रक चलाते चलाते ही पीछे की ओर देखा लेकिन उन्हें वो आदमी नजर नहीं आया। मैंने इतने में ही चिल्लाकर कहा, चाचा आगे देखिए। चाचा डर गए और आगे की ओर देखने लगे
पीछे देखने के कारण उन्होंने ट्रक का कंट्रोल खो दिया और ट्रक अचानक से सड़क पर इधर उधर जाने लगी। मैंने कहा, चाचा ब्रेक लगाओ। चाचा ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन ब्रेक भी नहीं लगा। फिर अचानक से ट्रक एक पेड़ के पास जाकर टकराई और वो पेड़ भी सड़क पर गिर गया, जिससे काफी तेज आवाज आई। हालांकि हमें ज्यादा चोट नहीं आई, बस मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी। जैसे तैसे कर हम ट्रक से नीचे उतरे। चाचा ने कहा, देखा तेरी लापरवाही का नतीजा, अब क्या करें हम? तो मैंने कहा, अरे चाचा ठीक है, किसी से मदद लेनी होगी हमें, अकेले तो हम इस पेड़ को हटा भी नहीं पाएंगे रास्ते से। तभी मुझे फिर से साइकिल की घंटी की आवाज आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी मुझे अपनी तरफ आते हुए नजर आया। चाचा ने कहा, अरे ये बुढ़ा भी क्या ही मदद कर पाएगा। हम चुपचाप खड़े रहे और वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर रुक गया। उसने कहा, ये सब कैसे हो गया? तो चाचा ने कहा, अरे एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, अब किसी के आने का इंतजार है ताकि हमारी मदद कर दे कोई पेड़ हटाने में। तो उसने कहा, अरे तो आओ ना, तब तक तुम दोनों मेरे ही ढाबे में आराम से खाना खा लो और आराम कर लो, यहाँ ढाबा कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, अरे सामने इतना बड़ा ढाबा नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने और चाचा ने अपनी दाईं ओर देखा और हम दोनों ये देखकर चौंक गए। हमारे सामने पप्पू ढाबा नाम का एक बड़ा सा ढाबा था। सामने एक ट्रक खड़ी थी लेकिन कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा, ये कहाँ से आया? चाचा ये तो देखा ही नहीं हमने। तो चाचा ने कहा, हाँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो बूढ़े आदमी ने कहा, अरे हो जाता है कभी कभी, चलो आओ मेरा ही ढाबा है, मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना खिलाता हूँ। हमारे पास उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था तो हम ढाबे में खाना खाने के लिए चले गए। बाहर एक लकड़ी का तख्ता बिछा हुआ था, मैं और चाचा उस पर ही पैर मोड़कर बैठ गए और आसपास देखने लगे। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आया और हम खाने लगे। खाना बड़ा ही शानदार था। तभी मैंने पूछा, अच्छा ये ट्रक किसकी है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा वो ट्रक यहाँ पिछले 3 दिन से खड़ी है, न जाने इसका मालिक कहाँ गया। ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी, कोई ऐसे ही ट्रक को छोड़कर तो नहीं भागने वाला था। लेकिन इस पर हमने कोई सवाल जवाब नहीं किया। हम खाना खा चुके थे और किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वहां से कोई गुजर ही नहीं रहा था। इतने में ही हमें एक आवाज़ सुनाई थी जो उस ट्रक से आ रही थी, जो वहां 3 दिन से खड़ी हुई थी वहां से। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी ने किसी का मुंह बंद कर दिया हो और वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। चाचा ने पूछा, ये आवाज़ किसकी है? तब वो बूढ़ा आदमी शांत बैठा रहा। मैंने कहा, अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ, बोलो ना किसकी आवाज़ है ये। उसने फिर कुछ नहीं कहा। चाचा और मैं हैरान हो गए। हम दोनों ने सोचा कि हम एक बार खुद ही देख लेते हैं। तो हम उस ट्रक के पास चले गए और चाचा ने ट्रक का दरवाजा खोला। उसी वक्त चाचा के पैरों के पास कुछ इंसानी हड्डियां गिरी, जिसे देखकर हम डर गए। हमने बूढ़े आदमी की ओर देखा और हमारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। हमने देखा कि वो बूढ़ा आदमी तख्ते पर बैठे हुए एक इंसान के कटे हुए हाथ को चबा रहा है और वो हमें ही घूरे जा रहा था। चाचा और मैं वहां से तुरंत भागने लगे और ट्रक में चढ़कर बैठ गए। सामने पेड़ गिरा था तो हम आगे तो नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने वापस पीछे जाने का फैसला किया। हम तुरंत वहां से अपने ट्रक में निकल गए। ये सुनकर प्रदीप ने कहा, हे भगवान क्या ऐसा भी होता है? मतलब अगर तुम वहां कुछ देर और रहते तो शायद तुम भी उसका खाना बन सकते थे। तो मैंने कहा, हाँ शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है उस ट्रक ड्राइवर को उसने ही मारा होगा और तब से वो ट्रक वहीं खड़ी है। इतने में ही काका ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि वो बूढ़ा आदमी कैसे दिखता था? मैंने कुछ सोचा और कहा, जी ठीक से नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो जरूर पहचान जाऊंगा। इसके बाद मैं खाना खाने लगा और मेरे दोस्त भी चुपचाप खाना खत्म करने लगे। इतने में ही वो काका खड़े हो गए और सड़क की ओर जाने लगे। तो मैंने कहा, अरे काका कहाँ जा रहे हो? तब काका ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे एक डरावनी से मुस्कान दी। मैं, प्रदीप और सोहन उन्हें देख रहे थे।
हमारे चेहरे पर परेशानी और डर था। तभी अचानक से उनका रूप भी बदल गया और वो उसी बूढ़े आदमी में बदल गए जिसे मैंने 17 साल की उम्र में देखा था। अचानक उनके हाथ में साइकिल आ गई जिसे वो जोर जोर से बजाने लगे। हम तीनों अपनी जगह पर जैसे जम से गए। प्रदीप ने कहा, अरे निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। मेरा शरीर तो मानो काम ही नहीं कर रहा था। प्रदीप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर वहाँ से ले जाने लगा। मैं उस बूढ़े आदमी की ही ओर देखे जा रहा था। सोहन मेरी ट्रक में बैठ गया और मैं और प्रदीप दूसरी ट्रक में। मैं उस बूढ़े आदमी को ही डर के देखे जा रहा था। इतने में ही मेरी नज़र ढाबे वाली जगह पर गई और ये देखकर मैं और सदमे में चला गया कि ढाबा तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर मैंने बूढ़े आदमी की ओर देखा लेकिन वो भी वहाँ से गायब हो गया था। प्रदीप ने ट्रक चला दी और हम वहाँ से निकल गए। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो ढाबा ही भूतिया था। 17 साल की उम्र में भी मैंने उसी ढाबे को देखा था और इतने सालों के बाद भी मैंने उसी ढाबे को देखा। लेकिन एक बात थी कि उस समय भी मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ। मुझे सिर्फ कुछ डरावने अनुभव हुए जो कि और भी भयानक हो सकते थे। मैंने उस रात भी भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं और मेरे दोस्त सही सलामत थे। और आगे भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह की भयानक वारदात मेरे साथ दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको फेस कैम वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल ब्लडी सूरज को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। ये बात है साल 2021 की। उस साल सीतापुर से एक दिल दहला देने वाली बात सामने आई थी। सीतापुर में किन्नरों का एक गिरोह था जो छोटे बच्चों को अगवा किया करता था और फिर उन बच्चों को नपुंसक बनाकर उनसे भीख मंगवाया जाता था। किन्नरों का मुखिया बच्चों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया करता था और फिर उन्हें नशीली चीजें खिलाकर या बेहोश करके उन्हें अगवा कर लेता था। इसके बाद डॉक्टरों के जरिए उन्हें नपुंसक बना दिया जाता था। इस घटना की जानकारी उसी बच्चे के जरिए सामने आई थी जो था तो लड़का, लेकिन किन्नरों के इस गिरोह ने उसे नपुंसक बनाकर किन्नर बना दिया था और वो लोग उनसे भीख मंगवाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गिरोह के मुखिया के ऊपर और भी कई इलीगल काम करने का मामला दर्ज हुआ था। इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करने से कतराता है। आज के इस किस्से को सुनाने का मकसद किसी किन्नर का अपमान करना नहीं है और ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी किन्नर ऐसे होते हैं। ये बात उन किन्नरों की है जो ऐसा गलत काम करते हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आज के समय में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक गांव जहां चौराहे पर कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव की औरतें अपना चेहरा घूंघट से छुपाए हुए खड़ी थी और जमीन पर बैठी दामिनी नाम की औरत को रोते हुए देखे जा रही थी। सबकी आंखें नम थी। तभी 2-3 आदमी हाथ में लाठी लिए हुए आए। दामिनी तुरंत खड़ी हो गई और उसने उन आदमियों से पूछा, कहाँ है देवेंद्र, कहीं मिला, कुछ पता चला उसका? तो एक आदमी ने कहा, नहीं, पूरा गांव छान मार लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, नहीं मिला? अरे ऐसे कैसे नहीं मिला, मेरा बेटा कहाँ जा सकता है, तुम लोगों ने अच्छे से देखा कि नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अरे देखा, हर जगह देखा, आसपास के गांव में भी पता करके आए हैं हमारे साथी, कहीं नहीं मिला आपका देवेंद्र। तो देवेंद्र की माँ फिर से रोने लगी। वो बोली, पता नहीं मेरा देव कहाँ चला गया, सुबह से गायब है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाता है, अचानक कहाँ गायब हो गया वो। तो उस आदमी ने कहा, देखो मुझे लगता है कि पुलिस में शिकायत करनी होगी। तो देवेंद्र की माँ ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी पुलिस के पास, अभी जाऊंगी। वो जाने ही वाली थी कि उस आदमी ने कहा,
अरे नहीं, अभी नहीं, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस 24 घंटे पूरे होने से पहले कुछ नहीं करेगी, हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। तो देवेंद्र की माँ ने कहा, नहीं, इतना इंतजार मैं नहीं कर सकती। अरे इतनी देर में मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया तो? मैं अभी जाऊंगी, देखती हूँ कि कैसे पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते। देवेंद्र की माँ गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ी। गांव वालों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। तभी उस रास्ते पर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। देवेंद्र की माँ ने देखा कि बाहर जाने वाले रास्ते से कोई गांव की ओर आ रहा है, तो वो चलते चलते रुक गई। कुछ लोग गाना गाते गाते गांव आ रहे थे। अंधेरा भी बहुत ज्यादा था, तो उनका चेहरा दूर से नजर नहीं आ रहा था। जब वो लोग पास आए तो पता चला कि कुछ किन्नरों का एक समूह है। वो करीब 8 से 10 लोग थे, जो इसी गांव के आखिरी छोर में रहते थे, सबसे अलग। गांव वालों को इनका गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो लोग इन्हें बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि सालों से किन्नरों का गिरोह यहाँ रह रहा था। किन्नरों ने देवेंद्र की माँ को रास्ते में खड़े हुए देखा तो वो उसके पास आए, और उनमें से एक किन्नर ने अपनी आदमी जैसी आवाज में पूछा, क्या हुआ दामिनी जी, इतनी रात गए यहाँ कैसे खड़ी हो, वो भी आंसू बहाते हुए। उस किन्नर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसका नाम मोहिनी था और वो किन्नरों की मुखिया थी। दामिनी ने कहा, तुमसे मतलब? दामिनी को ये लोग भी बिल्कुल नहीं पसंद थे। दामिनी उन्हें इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लोग बहुत अजीब लगते थे। तो मोहिनी ने कहा, अरे बताओ ना, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। तो दामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो असल में देवेंद्र गायब हो गया है, सुबह से सारा गांव छान लिया लेकिन वो नहीं मिला, मैं पुलिस के पास जा रही थी। तो मोहिनी ने कहा, पुलिस, पैसे हैं तुम्हारे पास? तो दामिनी ने कहा, पैसे, पैसे की क्या जरूरत है? तो मोहिनी ने कहा, अरे पैसे ही तो जरूरत है आज के समय में, बिना पैसे दिए कहाँ कुछ काम होता है, ऊपर से यहाँ के पुलिस वाले बस पैसे की भाषा समझते हैं, पैसे फेंकोगी तो काम होगा, वरना जितना हाथ पैर मार लो बिना फायदे से पुलिस अपनी पलक भी नहीं झपकाएगी। तो दामिनी ने कहा, सब एक जैसे नहीं होते, मेरी बात जरूर सुनेगी पुलिस। ये बोलकर दामिनी वहां से निकल गई। मोहिनी ने कहा, नहीं सुनी मेरी बात, मुझे क्या। फिर किन्नर भी अपने घर की ओर चल दिए। दामिनी पुलिस वालों के पास गई और उनसे मदद मांगी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे ये कहकर निकाल दिया कि 24 घंटे से पहले लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। दामिनी के बहुत मिन्नत के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो दामिनी को वापस आना पड़ गया। वापस आने के बाद दामिनी घर ना जाकर पूरे गांव में देवेंद्र को ढूंढने लगी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दामिनी रोते हुए ही थक कर एक घर की चौखट पर बैठ गई और अपने बेटे को याद करते करते वहीं सो गई। अगले दिन जब उस घर के लोगों ने दामिनी को अपने घर के आगे पड़े हुए देखा तो उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, और तब उन्हें पता चला कि दामिनी मर चुकी है। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। हर कोई ये बात सुनकर हैरान रह गया। इसकी खबर जल्दी से जल्दी पुलिस तक पहुंचाई गई, और ये वही ऑफिसर थे जिन्होंने दामिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ऑफिसर ने जब दामिनी को देखा तो वो लोग भी हैरान हो गए। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि दामिनी अपने बेटे को ढूंढ रही थी जो लापता है। तो ऑफिसर ने पूछा, देवेंद्र को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? तब एक बच्चे ने कहा, मैं और देवेंद्र उसके घर के बाहर ही खेल रहे थे, लेकिन वो अचानक गायब हो गया, मुझे लगा वो घर चला गया तो मैं भी वापस अपने घर चला गया। इसके बाद पुलिस वालों ने और छानबीन की, लेकिन देवेंद्र का कुछ पता नहीं चला, इसलिए उन लोगों ने उसका केस बंद कर दिया। ये सारी बात किन्नरों तक पहुंची, और ये बात जानकर मोहिनी बड़ी खुश हो गई और हंसने लगी। उसने कहा, किसी को भनक भी नहीं होगी कि देवेंद्र कहाँ गया, ये मामला ठंडा होते तक इंतजार करना होगा हमें, उसके बाद फिर से हमें अपने अगले शिकार को फंसाना है। इसके बाद करीब 15 दिन बीत गए और देवेंद्र के बारे में सब भूलने लगे। उसकी माँ के अलावा उसका कोई था भी नहीं, इसलिए वो मामला जल्दी ठंडा हो गया।
लेकिन फिर से गांव में एक बच्चे के लापता होने की बात फैल गई। गांव में अजय नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो करीब 10 से 12 साल का होगा। अजय बार बार बिना किसी को बताए गांव में इधर से उधर भटकता रहता था। उसके माता पिता भी थोड़े लापरवाह थे, उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं थी, इसलिए उनका बेटा कहाँ है और क्या कर रहा है इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसी का फायदा उन किन्नरों ने उठाया। उन्हें अजय के बारे में पता था कि वो कब और कहाँ जाता है, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने अजय को खिलौने का लालच देकर बहला फुसला कर अपने पास बुलाया और मासूम अजय झट से उनके पास आ भी गया। इसके बाद मोहिनी ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और अजय ने वो चीज़ खा भी ली। मोहिनी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी, फिर अचानक से खाते खाते अजय की आंखें बंद होने लगी, उसे चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी और अचानक से वो नीचे गिर पड़ा। मोहिनी ने दूसरे किन्नर को इशारा किया और वो एक बड़ी बोरी लेकर आई। दोनों ने मिलकर अजय को उस बोरी में डाल दिया। मोहिनी ने कहा, तुरंत निकलते हैं यहाँ से वरना किसी को शक हो जाएगा। फिर वो दोनों अजय को लेकर वहाँ से चले गए। गांव के बाहर उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आई जिसमें बैठकर वो लोग निकल गए। मोहिनी अजय को लेकर शहर गई। शहर पहुंचते हुए रात हो गई थी। इधर गांव में अजय को लेकर उसके माता पिता परेशान हो रहे थे। बहुत ढूंढने पर उन्हें पता चला कि अजय भी देवेंद्र की तरह न जाने कहाँ गायब हो गया है। गांव में फिर से अफरा तफरी मच गई थी, हर घर में अजय को ढूंढा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजय को लेकर मोहिनी एक सुनसान जगह पर गई जहाँ कुछ आदमी पहले से खड़े हुए थे। मोहिनी ने बोरी को निकाला और उसे घसीटते हुए एक मकान में घुस गई जो बाहर से टूटा फूटा दिखाई दे रहा था। उस मकान में जाते ही कुछ बच्चों की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी तो मोहिनी ने कहा, ये इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ, मुँह बंद कराओ इनका। ये बोलकर वो अजय को एक कमरे में ले गई। उस कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। मोहिनी ने उससे कहा, इसे होश आए तो वापस से बेहोश कर देना, कल सबसे पहले डॉक्टर को बुलाकर इसकी सर्जरी करानी है, बाकी का काम अम्मा संभाल लेंगी। अम्मा है कहाँ वैसे? तो उस आदमी ने कहा, बच्चों के कमरे में है। मोहिनी अजय को वहीं पर छोड़कर बच्चों के कमरे की तरफ चली गई। उस कमरे से बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। मोहिनी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक किन्नर बच्चों को मार मार कर खाना खिला रही है। उस किन्नर ने रोते हुए बच्चों से कहा, चुपचाप मुंह बंद करके खाना खा लो, कोई नहीं आने वाला तुम लोगों की मदद करने, अब अगर आवाज करोगे तो मार दूंगी जान से। ये सुनकर बच्चे डर गए और चुपचाप खाना खाने लगे। मोहिनी ने कहा, अम्मा। किन्नर ने उसकी ओर देखा और कहा, अरे मोहिनी, बड़े दिन बाद आई। किन्नर ने उसे गले लगा लिया। मोहिनी ने कहा, हाँ अम्मा, पिछले बार जिस बच्चे को अगवा किया था उसका मामला ठंडा होने का इंतजार कर रही थी, वैसे एक बच्चा और लाई हूँ। तो उसकी अम्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। उसकी अम्मा ने उसे नोटों का एक बंडल दिया। मोहिनी पैसे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो गांव वालों को कहीं मुझ पर शक ना हो जाए। उसकी अम्मा ने कहा, हाँ हाँ संभाल के, अगर पकड़ी गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मोहिनी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वहाँ से निकल गई। फिर सुबह के 4 बजे तक मोहिनी गांव वापस आई और वो बेहद जल्दी में थी। उस समय गांव के मुखिया के आदमी अजय को ढूंढने में लगे हुए थे। जब मोहिनी गांव की सीमा पर पहुंची तो मुखिया के आदमियों ने उसे देख लिया और उसके सामने आ गए। तो मोहिनी ने कहा, क्या है, रास्ता क्यों रोका मेरा? वो थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि पहली बार उसे गांव आने में इतनी देर हो गई। उसके साथ जो किन्नर गई थी वो शहर में ही रुक गई थी, इसलिए मोहिनी को अकेले वापस आना पड़ा। मुखिया के आदमी ने कहा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? तो मोहिनी ने कहा, तो तुमसे मतलब? मुखिया के आदमी ने उसे घूर कर देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। मोहिनी वहां से फिर से जाने लगी लेकिन अचानक से उसके कमर में लटका हुआ एक छोटा सा बैग नीचे गिर पड़ा जिसमें उसने नोटों की गड्डी रखी हुई थी। उन आदमियों की नज़र उस गड्डी पर गई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव में किन्नरों के पास इतने पैसे होना कोई आम बात नहीं थी क्योंकि जब ये लोग पैसे मांगने जाते थे तो कोई इन्हें सिर्फ अनाज देकर विदा कर देता था तो कोई इन्हें 100 या 200 रुपए देकर। इस गांव में तो क्या
आसपास के किसी गांव में किसी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतने पैसे किसी को दे सके। मोहिनी ने तुरंत वो पैसे उठा लिए और वहां से भाग गई। तो एक आदमी ने कहा, देखा तुमने इतने पैसे इसके पास कहां से आए? तो दूसरे आदमी ने कहा, पक्का कोई धंधा करती है ये, वरना इतने पैसे कहां से आएंगे? मुखिया जी को बताना ही पड़ेगा। मोहिनी को डर लग रहा था कि कहीं किसी को उस पर शक न हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ दिनों तक वो किसी बच्चे को अगवा नहीं करेगी। अजय के लापता होने की बात अगले दिन पुलिस तक पहुंची और मुखिया के आदमियों ने उसे मोहिनी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। मुखिया को भी मोहिनी पर कुछ शक सा होने लगा। पुलिस गांव वालों से पूछताछ कर रही थी, तब एक ऑफिसर ने पूछा, क्या आपको गांव में किसी के ऊपर शक है जो बच्चों को अगवा कर सकता है? तो मुखिया ने तभी कहा, साहेब गांव के आखिरी छोर में किन्नरों का मकान है, मुझे शक है कि उनकी मुखिया मोहिनी ये सब कर सकती है। असल में आज सुबह 4 बजे मेरे आदमियों ने उसे गांव की तरफ आते देखा। वो हड़बड़ी में थी और बहुत घबराई हुई भी थी। उसके पास ढेर सारे पैसे थे। ऑफिसर ने कहा, तो क्या आपको लग रहा है कि वो बच्चों को अगवा करके बेच देती है? मुखिया ने कहा, जी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और कोई है भी नहीं हमारे गांव में जिस पर कोई शक किया जाए। जो बच्चे गायब हुए हैं उन्हें गांव के बाहर भी किसी ने जाते हुए नहीं देखा। बच्चे गांव से ही गायब हो रहे हैं क्योंकि गांव के बाहर कई लोगों के खेत हैं। अगर बच्चे बाहर गए होते तो उन्हें जरूर देखता कोई। वो किन्नर ही ज्यादातर गाँव के बाहर आया जाया करते हैं। तो पुलिस ने कहा, ठीक है उन पर अब नजर रहेगी हमारी। ये बोलकर पुलिस चली गई। फिर अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था। मोहिनी को लगा कि वो सुरक्षित है और किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने एक आदमी को उस पर नजर रखने के लिए छोड़कर रखा था। दूसरी तरफ अजय की सर्जरी कराकर किन्नरों ने उसे नपुंसक बना दिया था, जिसके बाद वो लोग उससे भीख मंगवाने लगे थे। करीब 20 दिन बीत गए अजय को गायब हुए। मोहिनी को उसकी अम्मा कॉल कर करके बच्चा अगवा करने को कह रही थी, लेकिन मोहिनी को ऐसा करने के लिए सही मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद जब मोहिनी सोनिया नाम की एक किन्नर के साथ पैसे मांगने के लिए पड़ोस गांव में जा रही थी, तब उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर गई। वो बच्ची गांव के तालाब के पास बैठी हुई थी। मोहिनी ने अपनी साथी से कहा, वो देखो ये मुखिया की बेटी है ना, इसे अगवा कर सकते हैं हम, आसपास कोई है भी नहीं। मोहिनी को पता नहीं था कि पुलिस का एक हवलदार उस पर नजर बनाए हुए है। मोहिनी ने अपने थैले से एक रुमाल निकाला और फिर उसमें नशीली दवाई डाल दी। उसके बाद वो चुपचाप उस बच्ची के पीछे गई और जबरदस्ती उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसने उसे बेहोश कर दिया। ये सब उस हवलदार ने देख लिया और इससे पहले कि मोहिनी उस बच्ची को ले जा पाती, वो हवलदार चिल्लाया, ए रुक! हवलदार उसकी तरफ भागा और मोहिनी उसे देखकर चौंक गई। उसे लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी और इसलिए वो डरकर वहां से भागने लगी। सोनिया को भागने का मौका ही नहीं मिला और उस हवलदार ने उसे पकड़ लिया। मोहिनी उस गांव को छोड़कर भाग निकली। सोनिया के पकड़े जाने के बाद उनके काले कारनामों की सच्चाई पुलिस को पता चल गई। उन्होंने सोनिया के मुंह से सच उगलवाया और सारे गाँव वालों को पता चला कि मोहिनी और उसके साथी बच्चों को अगवा करके शहर में बेच देते हैं, जहां उन बच्चों को नपुंसक बनाकर उनसे भीख मंगवाया जाता था। सारे गांव वालों का दिल दहल गया था ये खबर सुनकर। अजय के माता पिता को मानो सदमा सा लग गया। पुलिस ने फिर सोनिया की मदद से उस जगह का पता लगाने की कोशिश की जहां बच्चों को ले जाया जाता था, लेकिन सोनिया ने कहा कि उस जगह के बारे में सिर्फ मोहिनी को पता था, क्योंकि वो ही बच्चों को किडनैप करके ले जाती थी। बाकी किन्नर सिर्फ बच्चों को अगवा करने में मदद किया करते थे। पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन शहर में उनके अड्डे का पता नहीं लगा पाई। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी गांव से भागकर इधर उधर भटक रही थी। वो शहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे डर था कि शहर की पुलिस भी उसे ढूंढती होगी। मोहिनी अपने गाँव से काफी दूर एक गाँव में जा पहुंची। उस गाँव का नाम था जामगढ़। जामगढ़ एक अच्छा खासा बड़ा गाँव था। मोहिनी के पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वहीं इधर उधर भटकती रही। जामगढ़ जंगल से घिरा हुआ गांव था और रात को वहां पर जंगली जानवरों की आवाज सुनी जा सकती थी। रात को यहां पर आने वाले जानवरों की आवाज ज्यादा तेज हो जाती थी।
मोहिनी जब इस गांव में आई तो उसने गांव की सीमा पर कटीली तार को घेरा हुआ देखा और वो घेरा जानवरों को गांव के अंदर आने से रोकने के लिए ही बनाया गया था। रात हो चुकी थी तो मोहिनी गांव में बने एक चबूतरे पर बैठ गई और बैठे बैठे उसे नींद आ गई। करीब 20 मिनट हुए थे उसे सोए हुए कि अचानक से उसे किसी आदमी की आवाज़ आई, जैसे कि कोई उसे उठा रहा हो। मोहिनी झटके से उठ गई और अपने सामने खड़े हुए एक अजीब से आदमी को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, क्या चाहिए? तो उस आदमी ने कहा, क्या कर रही हो यहाँ? मोहिनी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसकी वेशभूषा को देखने लगी। उस आदमी के लंबे बाल और दाढ़ी मूछ थी। उसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उसने कमीज या कुर्ता कुछ भी नहीं पहना था। उसके कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। वो दिखने में वैरागी जैसा लग रहा था। वो आदमी अचानक मोहिनी के चेहरे के सामने अपना चेहरा ले आया और अपनी आंखों से इशारा करते हुए पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। मोहिनी घबरा रही थी, पसीने में लथपथ थी और आसपास कोई था भी नहीं। अंधेरी रात में सिर्फ वो आदमी था वहाँ, और वो भी बड़ा अजीब था। मोहिनी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कुछ सोचा और बोला, मैं मोहिनी, मेरे गांव वालों ने मुझे निकाल दिया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उस आदमी ने मोहिनी के चेहरे का हाव भाव समझने की कोशिश की। फिर उसने कहा, मेरे पास ऐसी तरकीब है जिससे तुम्हारे पास सब कुछ होगा, घर, पैसा, सब कुछ। तो मोहिनी ने कहा, कैसी तरकीब? उस आदमी ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे बदले में पैसे चाहिए। तो मोहिनी ने उसे गुस्से से देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तेरे पास पैसे कमाने की अगर तरकीब है तो तू मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है? जाना, अपनी तरकीब का इस्तेमाल कर, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तो उस आदमी ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, वो तरकीब मेरे लिए नहीं। ये तरकीब तो उनके लिए है जो गृहस्थी से बहुत दूर हैं, जैसे कि तुम। तो मोहिनी ने कहा, अरे नहीं जाननी मुझे तेरी तरकीब, अच्छा तरीका है बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने का। उस आदमी ने अपने थैले से एक पर्ची निकाली और बोला, ये देखो, ये है वो तरकीब, इसे पढ़ लो और फिर कहो कि इस पर भरोसा है या नहीं। मोहिनी ने उसके हाथ से वो पर्ची ले ली। उस पर्ची में सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यक्षिणी साधना। मोहिनी ने कहा, यक्षिणी, ये क्या होती है? उस आदमी ने कहा, तुम इस पर्ची को पढ़ो तो सब पता चल जाएगा। वो आदमी भी मोहिनी के साथ उसी चबूतरे पर बैठ गया। मोहिनी ने पर्ची पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जो साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। जैसे देवी देवताओं का अपना लोक होता है, उसी तरह यक्ष और यक्षिणी का भी अपना एक लोक है। अगर कोई साधक यक्षिणी को पा लेता है तो उसे दुनिया की सारी धन दौलत मिल सकती है। जहाँ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहीं यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। यक्षिणी को शिव की दासी भी कहा जाता है और देवी देवताओं के बाद इन्हीं का स्थान सबसे ऊपर है। साधक को इसके लिए कुछ दिनों की कड़ी तपस्या करनी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल यक्षिणी को प्रसन्न रखना है। उसे पत्नी, माँ, प्रेमिका या सहेली के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने के बाद साधक को उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, जिसके बाद वो साधक को सारे ऐशो आराम देती है। इस साधना को करने वाला साधक अगर सही तरीके से साधना नहीं करता तो उसे उसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यक्षिणी की साधना किसी एकांत जगह पर की जाती है। इसके लिए एक वीरान जगह की जरूरत होती है ताकि कोई विघ्न ना आए। साधना पूरी करने से पहले उस स्थान को छोड़ना भी गलत होता है। ये साधना पूर्णिमा या ग्रहण वाले दिन से प्रारंभ करना शुभ होता है और साधना का फल भी जल्दी मिलता है। यक्षिणी शिवदासी कही जाती है, इसलिए साधना के समय शिव जी की तस्वीर रखी जाती है। इसके लिए शिव पूजन की सामग्री की भी जरूरत होती है। 3 गोल घेरे बनाकर साधक को बैठना होता है और साधना स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक जरूरत की व्यवस्था करनी पड़ती है। साधना का सही समय रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का होता है। साधना के लिए जो मंत्र जाप करना होता है
उसके पूरे होने के बाद साधक उसे स्थल पर सो सकता है। साधना करते समय अगर कोई बाधा आती है तो साधक को उसे नजरअंदाज करना पड़ता है, फिर चाहे जो भी हो जाए। साधना की विधि के लिए भोज पात्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर स्थापित कर लेना है और फिर उचित रीति से उसका आवाहन करके उनकी पूजा करनी पड़ती है। इसके बाद यक्षिणी मंत्र का जाप करना होता है और कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 तक का जप का संकल्प लेना पड़ता है। ये साधना 21 दिनों तक करनी पड़ती है और रोज इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। फिर जब साधना पूरी हो जाए तो जाप करने के बाद कम से कम 108 बार हवन में आहूति देकर हवन किया जाता है। अगर यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है तो साधक उसे किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है। सारी बातें जानकर मोहिनी काफी उत्सुक हो गई। उसे ये बात सच लगने लगी, लेकिन उसे शक भी था, तो उसने बोला, अगर ये बात झूठ निकली तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये साधना गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, वरना मैं भी ये कर सकता था। इस साधना के बारे में मुझे मेरे गुरु ने बताया था और तब से मैं इस साधना के बारे में जरूरतमंदों को बताया करता हूँ और बदले में बस कुछ पैसे लेता हूँ। मोहिनी को उसकी बात सच लगने लगी। उसने कहा, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? उस आदमी ने कहा, 30,000 रुपये। मोहिनी के पास वो पैसे थे जो उसे उसकी अम्मा ने दिए थे। उसने नोट की गड्डी निकाली और फिर उस आदमी को पैसे दे दिए। उस आदमी ने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। मोहिनी को यक्षिणी के बारे में सब कुछ नहीं पता था। वो ये तो जान गई थी कि यक्षिणी सारे ऐसो आराम दे सकती है, लेकिन साधना के बुरे परिणाम उसे मालूम भी नहीं थे। मोहिनी के पास इतने पैसे थे कि वो एक मकान किराए पर लेकर साधना की सारी सामग्री खरीद सकती थी, लेकिन साधना के लिए उसने जंगल को सही समझा। वो सबके बारे में सोचते हुए वहीं सो गई। अगले दिन उसकी आँख खुली और वो सबसे पहले साधना की सामग्री इकट्ठा करने लगी। कुछ चीज़ें उसने दुकान से खरीदी। जब उसे सारी चीज़ें मिल गई तो वो उन्हें लेकर सीधे जंगल की ओर चली गई। शाम के 5 बज गए थे। मोहिनी जामगढ़ के जंगल में पहुंच गई थी। जंगल में जंगली जानवर थे, इसलिए वहां कोई आना जाना नहीं चाहता था। वो जगह साधना के लिए बिल्कुल सही थी। मोहिनी के हाथ में वो पर्ची थी जिसमें विधि और मंत्र लिखे हुए थे। उसने पर्ची निकाली और सारी विधि उसने एक बार और पढ़ ली, जिससे उसे सब कुछ याद हो गया। साधना में कुछ समय बाकी था, इसलिए वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगी जो थोड़ी साफ सुथरी हो। जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे बड़ा सा पेड़ नजर आया जिसके नीचे की जगह साफ सुथरी थी। मोहिनी ने उसे ही साधना के लिए चुन लिया। वो सारी चीजें लेकर वहां 3 गोल घेरे बनाकर बैठ गई। साधना का समय शुरू होने में अभी भी 3 घंटे बचे हुए थे, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी रही। ठंड का समय था, इसलिए दिन भी जल्दी ढल गया। अब उस घने जंगल में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। जंगली जानवरों की आवाज भी आनी शुरू हो गई थी। मोहिनी के शरीर पर कीड़े मकौड़े रेंगने लगे थे, जिसे वो बार बार झटक रही थी। इस बीच उसका ध्यान शायद इस बात पर नहीं गया कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वो पेड़ पीपल का था। उस पेड़ के ऊपर से अचानक बड़ी अजीब अजीब सी आवाज मोहिनी के कानों में आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लंबी लंबी आहें भर रहा हो। मोहिनी ने पेड़ की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मोहिनी के डर के कारण रोंगटे खड़े हो रहे थे। जल्द ही साधना का समय हो चला। उसने एक दीपक जलाया और फिर उसकी लौ को अपनी ओर मुख करके रख दिया। फिर पर्ची में जैसे जैसे विधि बताई गई थी वो वैसे वैसे करती गई। मंत्र जाप का समय हो गया और उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी। सामने दीपक की जलती लौ की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। वो रात भर मंत्रों का जाप करती रही और सुबह होते ही जब जाप खत्म हुआ तो वो उसी जगह पर सो गई। करीब 1 हफ्ते तक वो उसी तरह जंगल में रहते हुए साधना करने लगी, लेकिन मोहिनी को कोई बदलाव नजर नहीं आया। यानी अभी तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यक्षिणी सच में है। उसे उस वैरागी की कही हुई बात झूठी लगने लगी। उसके मन में बड़ा गुस्सा था, लेकिन वो 21 दिनों के साधना को पूरा करके देखना चाहती थी कि इसका असर होता है या नहीं। 8वें दिन की रात
मोहिनी मंत्र का जाप कर रही थी कि अचानक उस रात उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक जंगल के उस हिस्से का वातावरण ही बदलने लगा। मोहिनी को ठंड लगने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठंड में उसके मुंह से निकलने वाले मंत्र भी ऐसे सुनाई दे रहे थे जैसे वो दबी हुई आवाज में कुछ कह रही हो। फिर कुछ आवाज आने लगी। मोहिनी को ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके कान के पास आकर उसी मंत्र का जाप कर रहा है जो वो खुद कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके चेहरे को छू रहा हो। वो पहली रात थी साधना की जो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। मोहिनी मंत्र का लगातार जाप कर रही थी, फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके चेहरे से लेकर शरीर के हर हिस्से को छू रहा हो। मोहिनी को तब मंत्र जाप करने में दिक्कत होने लगी, पर उसने साधना नहीं छोड़ी। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगले कुछ दिनों तक मोहिनी के साथ ऐसे ही अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। साधना पूरा होने का दिन जितना करीब आ रहा था वैसे वैसे उसकी साधना कठिन होती जा रही थी। दिन में वो सोती थी और रात भर जाप करती थी। खाने की चीजें खत्म हो चुकी थी, बस पानी ही बचा था और वो भी बहुत कम। वो दिन रात भूख से भी तड़प रही थी, लेकिन उसे किसी भी हाल में साधना पूरी करनी थी। साधना की 19वीं रात थी। मोहिनी मंत्रों का लगातार जाप कर रही थी। उसे तब भी लग रहा था जैसे वो कई लोगों के बीच घिरी हो, क्योंकि चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी कुछ आवाजें ऐसी होती जिसे सुनकर लगता था कि कोई संभोग कर रहा हो। मोहिनी को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसके शरीर को छू रहा हो। लेकिन उसके अलावा भी उसके साथ उस रात बड़ी अजीब चीज हुई। जब वो साधना कर रही थी तब अचानक से उसकी गोद में ऊपर से कुछ आ गिरा, जिससे मोहिनी की आंखें झट से खुल गई। लेकिन मंत्र का जाप वो कर ही रही थी। उसकी गोद में एक मरा हुआ पंछी था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका मन कर रहा था कि वो उस घेरे को छोड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन साधना को बीच में छोड़ना सही नहीं समझा उसने। उसका शरीर कीड़े मकौड़ों के काटने के कारण पूरा लाल हो चुका था। वो लगातार उस हालत में साधना कर रही थी। ऐसे ही 21वां दिन भी जल्दी आ गया और मोहिनी ने अपनी साधना से यक्षिणी को प्रसन्न भी कर लिया। अंतिम आहुति के बाद यक्षिणी मोहिनी के सामने आ गई। मोहिनी उसका रूप देखकर हैरान रह गई। यक्षिणी का रूप किसी अप्सरा की तरह सुंदर और कोमल था। यक्षिणी ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, बोलो किस रूप में सिद्ध करना चाहती हो तुम मुझे। मोहिनी को ऐसा लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। मोहिनी ने कहा, मुझे तुम्हें सहेली के रूप में पाना है। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। मोहिनी ने कहा, कैसी शर्तें? यक्षिणी ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं किसी गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और तीसरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम किसी से भी दोस्ती नहीं करोगी। बोलो, मंजूर है? मोहिनी ने इन शर्तों के बारे में सोचा। उसे ये शर्तें बड़ी आसान लगी, तो उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। यक्षिणी ने कहा, याद रखना, अगर तुमने एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम्हें मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकेगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई। मोहिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत वहां से सारा सामान लेकर वापस गाँव आ गई। गाँव में उसने सबसे पहले एक मकान किराए पर लिया। मोहिनी को पहले तो कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने डबल पैसे देने की बात कही तो उसे आसानी से वो घर किराए पे मिल गया। इसके बाद वो सारी जरूरी चीजें लेकर आई। मोहिनी ने अब जब यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो उसके दिमाग में ढेर सारे पैसे कमाने की इच्छा हुई। उसने सब कुछ सेटल होने के बाद सीधे अपनी अम्मा को कॉल किया और कहा, अम्मा चिंता मत करो, आपको मैं बच्चे ला कर दूंगी, बस थोड़ा समय दे दो। तो उसकी अम्मा ने कहा, मुझे लगा कि तुम पकड़ी गई, खैर संभल के रहना, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। फिर मोहिनी ने कॉल कट कर दिया और उसके बाद वो घर घर जाकर आसपास का ब्यौरा लेने लगी, जैसे कि आसपास कितने घर हैं, वहाँ कितने बच्चे हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। कुछ ही दिनों में वो आसपास के इलाकों के बारे में सब कुछ जान गई
और उसने वापस से अकेले घूमते हुए बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी और उसने बच्चों को बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। लेकिन जामगढ़ गांव में भी बच्चों की लापता होने की बात आग की तरह फैल गई। जब मोहिनी को लगा कि अब आगे काम करने के लिए उसे यक्षिणी की जरूरत है, तो उसने उसे याद किया और कहा कि उसे बच्चों को अगवा करने के लिए उसकी मदद चाहिए। लेकिन यक्षिणी का ये नियम है कि वो कुछ गलत काम में साथ नहीं देती, इसलिए उसने मदद करने से साफ मना कर दिया। मोहिनी को उसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो उसे नाराज नहीं कर सकती थी। फिर उसने पैसे कमाने की नई तरकीब सोची। उसे ध्यान आया कि इस गांव में 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र की बहुत सी लड़कियां हैं। उसने अपनी अम्मा को कॉल किया और कहा, अम्मा, यहां से बच्चों को गायब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबने अपने बच्चों को अकेले कहीं जाने से मना कर दिया है। अम्मा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, अगर पैसे चाहिए तो बच्चे अगवा करके ले आओ। तो मोहिनी ने कहा, अरे आप दूसरा धंधा भी तो शुरू कर सकती हैं ना, यहाँ जवान लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, हम उन्हें बेचकर भी अच्छा खासा दाम कमा सकते हैं। अम्मा ने कहा, अरे वाह, तरकीब तो बढ़िया सोची है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती भी हूँ जो लड़कियों का अच्छा खासा दाम देंगे, तो उन्हें लेकर आ जा, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। मोहिनी खुश हो गई। फिर उसने यक्षिणी को याद किया। यक्षिणी ने पूछा, कहो क्या मदद चाहिए तुम्हें? तो मोहिनी ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सिद्ध किया है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक लड़की का पता बताऊंगी और तुम उसे बेहोश करके गांव के बाहर लेकर आओगी। तो यक्षिणी ने कहा, मैं कोई भी गलत काम में साथ नहीं दूंगी, तुम जानती हो मेरी शर्तें थी ये। तो मोहिनी ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। यक्षिणी ने कहा, अगर तुमने मुझसे कोई गलत काम कराया तो तुम्हें बहुत मुसीबत होगी, अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। तो मोहिनी ने कहा, देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो यक्षिणी ने कहा, ठीक है फिर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। यक्षिणी ये कहकर गायब हो गई और उस लड़की के घर गई जिसे मोहिनी अगवा करना चाहती थी। रातों रात वो लड़की ऐसे गायब हो गई जैसे जमीन में समा गई हो, किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। यक्षिणी उसे गांव के बाहर ले गई और फिर मोहिनी ने उसे शहर भिजवा दिया, जहाँ उसकी अम्मा ने उसका सौदा कर दिया। यक्षिणी की मदद से फिर मोहिनी सारे गलत काम करने लगी और उसके पास कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे आ गए। गांव से बच्चे और लड़कियां दोनों गायब होने लगी, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी भनक नहीं लगी। पुलिस की छानबीन भी हुई, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों में मोहिनी के पास गलत काम के पैसे और ऐसो आराम की सारी चीज़ें आ गई, लेकिन यक्षिणी के सब्र का बांध भी टूट रहा था। वही गांव में सुशील नाम का एक आदमी था जिसने मोहिनी को किराए पर मकान दिया था। उसकी नज़र मोहिनी पर पड़ गई थी। मोहिनी जब सुशील के पास मकान किराए पर लेने गई थी, तब उसके पास कुछ पैसों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे आ गए थे और यही बात उसे खटकने लगी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर मोहिनी ऐसा कौन सा काम करती है कि वो कुछ ही दिनों में इतने पैसे वाली बन गई, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी किन्नर पैसे मांगकर चंद दिनों में इतना अमीर तो नहीं हो सकता। सुशील हमेशा उसे आते जाते देखता रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो उसका राज कैसे पता करे। फिर एक दिन जब मोहिनी अपने घर से बाहर जा रही थी, तो सुशील ने उसे देखा और उसके पास गया। मोहिनी ने कहा, अरे सुशील बाबू, कैसे हैं आप? सुशील ने बड़े ही प्यार से कहा, अब आपको देख लिया हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा मेरा। मोहिनी को इस बात पर हंसी आ गई। मोहिनी ने कहा, आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसने मुझसे ऐसी बात की है। सुशील ने कहा, शायद लोगों को अच्छे इंसानों की कद्र नहीं है, इसलिए मुझसे पूछिए, मैं तो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हैं। उसकी बात जैसे कि मोहिनी के मन को घर कर गई। दोनों में अच्छी खासी बात हुई और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। मोहिनी और सुशील फिर रोज मिलने लगे। सुशील उससे बड़े प्यार से बात करता था और मोहिनी को वो पसंद आने लगा था।
मोहिनी जानती थी कि एक किन्नर होने के कारण सुशील उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो सुशील की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। कुछ दिन के बाद अचानक सुशील ने मोहिनी से कह दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और मोहिनी को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुशील के बहुत कहने पर उसने उसकी बात मान ली। फिर दोनों काफ़ी समय साथ बिताने लगे। यक्षिणी इस बात से नाराज हो गई थी, क्योंकि अब मोहिनी ने उसे याद करना छोड़ दिया था और वो सुशील के करीब जा रही थी। यक्षिणी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मोहिनी ने उसकी शर्तें तोड़ दी थी। उस रात यक्षिणी मोहिनी के घर आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो मोहिनी को सबक सिखा सके। उसी रात सुशील और मोहिनी साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे, और सुशील ने ऐसे ही बात छेड़ दी, मोहिनी एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कैसे आए? मोहिनी उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसे लगा कि कहीं सुशील को सच पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। तो मोहिनी ने कहा, अरे तुम तो जानते हो मेरा रहन सहन कैसा है, मैं तो हमेशा से दूसरों से मांग कर गुजारा करती हूँ। तो सुशील ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ और भी काम करती हो, क्योंकि इतना पैसा तुम्हारे पास मांगने से नहीं आएगा, और वो भी इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। सुशील ने कहा, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा, वरना मुझे भूल जाओ। मोहिनी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे छोड़ नहीं सकते। सुशील ने प्यार से कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये सब कैसे हुआ। तो मोहिनी ने कहा, मैं नहीं बता सकती, मेरी मजबूरी है। तो सुशील ने कहा, ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ, और आज के बाद नहीं मिलूंगा तुमसे। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या करूँगा मैं तुम्हारे साथ रहकर। सुशील वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। सुशील खुश हो गया और उसने उसकी बात मान ली। फिर सुशील को उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने यक्षिणी को सिद्ध किया और उसकी मदद से पैसे कमाए। यक्षिणी को खबर हो गई कि मोहिनी ने सुशील को सब कुछ बता दिया, और उसकी गुस्से की फिर से कोई सीमा ही नहीं थी। मोहिनी ने उसकी तीनों शर्तों को तोड़ दिया था। उधर सुशील ने जब सारी बातें जानी तो उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे पर खौफ था, जिसे देखकर मोहिनी डर गई। सुशील ने कहा, यक्षिणी के बारे में मुझे बताकर तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं जानता हूँ यक्षिणी के बारे में, वो बहुत खतरनाक होती है, तुमने उसका राज क्यों बताया? अब तुम नहीं बचोगी, मेरे चाचा ने भी उसकी साधना की थी, और जानती हो क्या हुआ, उन्होंने उसे पत्नी के रूप में सिद्ध किया था, लेकिन उसके बाद भी दूसरी औरतों के साथ वो संबंध रखते थे, और उसकी वजह से यक्षिणी ने उन्हें इतना दुख दिया कि मैं बता नहीं सकता, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, तड़प तड़प कर मरे वो। मुझसे दूर रहो तुम, वरना वो यक्षिणी भी मुझे मार देगी। कल मेरा घर भी खाली कर देना, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी घटिया इंसान मेरे आसपास हो, कहीं पुलिस का मामला हुआ तो मैं भी बीच में फंस जाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाना यहाँ से। सुशील वहाँ से तुरंत भाग गया, और मोहिनी की डर के मारे हालत खराब हो गई। यक्षिणी का पारा चढ़ गया था, और अब वो मोहिनी को बर्बाद करने की तैयारी में थी। मोहिनी डरते डरते वापस घर आई। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। उसने कमरे की लाइट जलाई और पलंग पर बैठ गई। उसके दिमाग में सुशील की बातें घूम रही थी। वो चुपचाप बैठी ही थी कि अचानक से उसकी खिड़की के कांच टूटने की आवाज आई, और उस मामूली आवाज से भी मोहिनी कांप गई। वो जल्दी से खिड़की के पास गई और उसने बाहर की ओर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, बस एक कुत्ता मोहिनी की ओर देखकर भौंक रहा था। मोहिनी को भी घर खाली करना था। वो तुरंत खिड़की बंद करके वापस आ गई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। कुछ देर बाद जब उसने अपना सामान पैक कर लिया तो जाकर पलंग पर लेट गई। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कमरे में लगी घड़ी के टिक टिक की आवाज के अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो बस एकटक होकर ऊपर की छत को देखे जा रही थी। करीब आधे घंटे तक वो यक्षिणी के बारे में सोचती रही, और तभी उसका फोन बजने लगा, जिस पर उसकी अम्मा का कॉल आ रहा था। मोहिनी ने कॉल उठाया और उसकी अम्मा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा,
अरे वो लड़की भाग गई यहाँ से जिसे तूने भेजा था। वो पुलिस के पास गई तो हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। मोहिनी के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपनी अम्मा की पूरी बात भी नहीं सुनी और वो तुरंत अपना सामान लिए बिना ही जल्दबाजी में वहां से निकल गई ताकि पुलिस वहां आए तो वो पकड़ी ना जाए। वो जंगल की तरफ चली गई। रात के 1 बज रहे थे उस समय। उसके हाथ में बस एक मोबाइल था जिसके टॉर्च की रोशनी से वो पूरा रास्ता देख रही थी। चलते चलते वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसने यक्षिणी की साधना की थी। वो उसी जगह पर बैठ गई। जंगल में उल्लुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मोहिनी की धड़कन तेज हो रही थी। वो आसपास देखे जा रही थी। सिर्फ एक ही रात में यक्षिणी ने उसे बेघर कर दिया था और उसके पास जो भी था वो सब उसे छोड़कर भागना पड़ा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने यक्षिणी को नाराज क्यों किया। अब वो उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि यक्षिणी कभी भी माफ़ी नहीं देती है। तभी अचानक से उसे लगा कि उसके पैरों में कुछ चल रहा है। वो खड़े होकर अपनी साड़ी को झटकने लगी। फिर अचानक उसके शरीर में बहुत खुजली होने लग गई और वो अपने नाखूनों से अपने शरीर को नोचने लगी। उसका शरीर खरोच की वजह से लाल हो गया था। ये देखकर मोहिनी ने कहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मोहिनी पेड़ से ही अपने शरीर को रगड़ने लगी लेकिन खुजली कम नहीं हुई। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़कर आ रहा हो। मोहिनी ने इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से न जाने कहां से एक जंगली बिल्ली मोहिनी पर झपट पड़ी और मोहिनी मदद के लिए चीखने लगी। उस जंगली बिल्ली ने उसके पूरे चेहरे को नोच डाला। उसकी चीख सुनकर कुछ लोग वहां आ गए। अंधेरे में उनका चेहरा दिखाई भी नहीं दिया। मोहिनी उनसे मदद मांगने लगी। फिर जब वो लोग पास आए तो पता चला कि वो पुलिस वाले हैं। उनके साथ वो लड़की भी थी जिसे मोहिनी ने बेचा था। मोहिनी उन्हें देखकर डर गई। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि इसी किन्नर ने उसे बेचा था और पुलिस वालों ने उस बिल्ली को भगाकर मोहिनी को अरेस्ट कर लिया। उसे जेल ले जाया गया और पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा। रात भर पुलिस उसे मारती रही। उसे बहुत टॉर्चर किया गया। फिर आखिर में उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसके साथ साथ उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया और सबको उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन यक्षिणी का बदला यहाँ पूरा नहीं हुआ। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक रात मोहिनी जेल में चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी अचानक से उसके शरीर में जगह जगह पर लाल रंग के निशान आने लगे और उसे दर्द होने लगा। वो उस निशान को रगड़ने लगी और तभी जहाँ जहाँ शरीर पर लाल निशान निकले थे वहाँ वहाँ से कांटे जैसी चीज निकलने लगी और बहुत खून बहने लगा। शरीर के अलग अलग हिस्से से कांटे फूट फूट कर निकलने लगे और मोहिनी दर्द में चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर वहाँ के गार्ड आए और हैरानी से उसे देखने लगे। तो एक आदमी ने पूछा, ए क्यों चिल्ला रही है? लेकिन मोहिनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस चीख चीख के रो जा रही थी और उन गार्ड्स को शरीर से निकलने वाले कांटों को दिखा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन लोगों को कांटे नजर ही नहीं आए। चेहरे, हाथ, पैर, हर जगह पर कांटे निकल आए थे और मोहिनी की हालत बेहद खराब हो गई थी। फिर अचानक से उसे खून की उल्टी हो गई और गार्ड्स उसे देखकर हैरान हो गए थे। उन लोगों ने जेल का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन उसमें चाबी अटक गई और वो निकल भी नहीं रही थी। इतने में ही मोहिनी जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से लगातार खून निकलता गया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। सभी लोग इस हादसे को देखकर हैरान हो गए थे। इस तरह मोहिनी को उसके गंदे और घिनौने काम की सजा मिली। यक्षिणी को प्रसन्न न रखने की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट स्टोरी में आप लोगों का यानी कि सभी का फेवरेट टॉपिक है ट्रक ड्राइवर की आप बीती, वो मैं लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।